सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। देखिए, अभी अभी केंद्र सरकार और CBSE की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें कहा गया है CBSE की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, यानी अब CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ तक कि जो 12वीं की परीक्षा थी उसको टाल दिया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की संख्या इतनी तेज़ी से फैलती जा रही है, जिसके कारण CBSE को ये कठिन फैसला लेना पड़ा। यानी कि केंद्र सरकार और CBSE का ये फैसला था कि लोगों की जान पहले है, परीक्षाएं बाद में भी हो सकती हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि CBSE 10वीं की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है, ये परीक्षा नहीं होगी और इंटरनल के बेस पर आपका आकलन कर लिया जाएगा, यानी आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 12वीं की परीक्षा पर यह कहा गया कि 1 जून को रिव्यू मीटिंग की जाएगी, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा कब होगी। और परीक्षा होने से 15 दिन पहले स्टूडेंट्स को इस बात की खबर पहुंचा दी जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके मद्देनज़र CBSE ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप CBSE के सर्कुलर में बहुत आराम से देख सकते हैं, बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि लुकिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक एंड स्कूल क्लोजर्स एंड ऑल्सो टेकिंग इन अकाउंट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज़ डिसाइडेड एज फॉलोज। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि द बोर्ड एग्जाम्स फॉर द क्लास 12 टू बी हेल्ड फ्रॉम May 4th to June 14, 2021 are hereby postponed। यानी 12वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। These exams will be held hereafter। वो फिर बाद में होंगे। The situation will be reviewed on 1st June 2021 by the board and details will be shared subsequently। A notice of at least 15 days will be given before the start of the examinations। यानी 15 दिन पहले students को examination start होने से पहले inform किया जाएगा। And the second is the board exams for the class 10 to be held from 4th May to June 7, 2021 are hereby cancelled। यानी साफ तौर पे लिखा गया है कि इन बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। द रिजल्ट्स ऑफ द क्लास बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। यानी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाएगा बोर्ड के द्वारा, जिसके बेसिस पर क्लास 10th का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड टू हिम और हर ऑन द बेसिस विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन एन एग्जाम एज एंड व्हेन द कंडीशंस आर कंडक्टिव टू बी होल्ड द एग्जाम। यानी अगर कोई स्टूडेंट इन रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो उसको बाद में जब भी मौका मिलेगा, जब भी फिजिकल एग्जाम्स होंगे उसमें उसको मौका दे दिया जाएगा। और ये जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है CBSE के, डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनका साइन किया गया ये सर्कुलर है। तो आप देख सकते हैं कि अब बोर्ड की परीक्षा टाल दी गई है। तो ये तो थी आज की बहुत महत्वपूर्ण सूचना। मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।